राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में देखा जाए, पदावधि बोले तो एज, एज बोल रहे हो, उसका पोस्ट जो है वो ड्यूरेशन कितने साल का होगा, ऑप्शन 4, 5, 6, ये जब तक मन करो तब तक रहे, नहीं आइए देखते हैं। तो उसका पोस्ट का जो ड्यूरेशन है इसका उल्लेख 56(1) में, और ये पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। आ रहा जी समझ में, 5 साल। 57 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। बोलो अभी हम बताए जी 57 याद करवाए, तो ये सब लिख लिख के भी याद कीजिए, एक लिस्ट बनाइए आज से ही रफ पेपर में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होते होते पूरा बोलते हैं खड़ा होकर एक आर्टिकल से पूरा 444 आर्टिकल तक सुना दो, तो पाठ है, पाठ कितने हैं जी, 25 है, आर्टिकल कितने हैं, तो अभी 365 थे लेकिन अभी 444 और अभी 417 सुनने को मिल रहा। लिस्ट, लिस्ट कितने हैं तो आप देखो, 12। बोले खड़ा हो जाओ सुनाओ, हम लोगों ने गजब याद किए थे जी, गजब, वही लिख लिख के जैसे क्लास वाइज चलते जा रहे हैं तो उसको सेट करते जा रही है, मतलब क्लास वाइज यादें करते चले जा रहे हैं, ये नहीं कि ताखा में रख रहे हैं, ताखा में रख रहे का मतलब ऊपर हैंग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मिलते गया सजाते चल गए, बीच में अब मान लीजिए 52 से 75 याद किए, 52 से पहले याद नहीं किए तो बाद में 52 से पहले पढ़ाए, ठीक है, तो 52 से पहले उसके बाद उसको सेट कर दिया, धीरे धीरे सेट करते 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 पूरा स्टार्ट रकम 1 से लेकर 365 तक है, सब 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 एकदम। तो जरूरी है पहले सोटली उसको कैसे याद रखे, सोटली। अब जैसे बताया मैंने 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित, बस हो गया, प्रेसिडेंटरी इलेक्शन बस, क्या उसको आप डिफाइन ही कर सकते हैं, बस हो गया। अब वह लंबा आप याद करने लगे तो हो गया भैया, तो एक दिन में नहीं सुना पाओगे, तो तरीका होना चाहिए कि अच्छा 57 प्रेसिडेंट री इलेक्शन, 56 5 ईयर्स पोस्ट ड्यूरेशन, देखिए 56(1), इस तरह से हम लोग बढ़ते चले गए। अच्छा, यद्यपि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु 56(1) या 1A का बोले या A बोले के अंतर्गत पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षरित करके अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। तो बताइए राष्ट्रपति का ड्यूरेशन कितने साल का, 5 साल का, किस आर्टिकल के आधार पर, 56(1), लेकिन 5 साल से पहले बोले नहीं हम नहीं रहेंगे पद पे, हम छोड़ दे, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, वो तो अभी ना बताए जी, नया राष्ट्रपति जो है, हाँ वो हो गया, लेकिन अगर वो पद छोड़ना चाह रहे हैं तो वो अपना पद बोले तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ये है 56(1) का वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए 56(1) में 5 वर्ष का अवधि होगा, 1 को के अंतर्गत वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन किसको, चीफ जस्टिस को नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को। 56 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पूर्व में भी हटाया जा सकता है। देखो कंडीशन यहां पर बोला जा रहा है कि 5 साल का है, तो 5 साल से पहले क्या, 5 साल से पहले क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो पहला 56(1)(a) के आधार पर खुद त्याग पत्र दे दे, कौन दे, किसको दे, वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरा उन पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, या मर जाए या खुद त्याग पत्र दे, तो पूरा अवधि से पहले ही रिक्त स्थान खाली हो गया उनका, महाभियोग बोले तो इम्पीचमेंट, महाभियोग बोले तो इम्पीचमेंट, ठीक है। तो सवाल आपका क्या था कि राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है एक ही पार्टी से है, अलग अगर प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट अगर भंग हो जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति का पद को भी खोना पड़ेगा, तो नहीं, क्यों,
क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले आप किसी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन बीइंग अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाते आप किसी पद पर, पद नहीं, किसी पार्टी से आप रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो भी रहे, इसलिए तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए उनके पास लोकसभा, बोले तो लोकसभा पीपल ऑफ द हाउस का मेंबर की योग्यता होनी चाहिए। तो वो तो पार्टी के थ्रू ही तो आया, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद आप किसी पार्टी से नहीं हुए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको सपोर्ट ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है भाई, आपको लोगों के बारे में सोचना होगा, जनहित के बारे में सोचना होगा, उसके कल्याण के बारे में सोचना होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो कहा जा रहा, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न हो जाना चाहिए। अब बताइए, कोई 5 साल का है, 5 साल का है ना जी एज पीरियड, पोस्ट पीरियड, तो 5 साल होते होते देखो 6 महीना जब बचेगा ना, साल भर या 6 महीना बचेगा ना, प्रेसिडेंट का चुनाव स्टार्ट, प्रेसिडेंट का चुनाव स्टार्ट। क्यों? क्योंकि देखो, इसलिए कभी भी पहले से ही चुनाव हो रखा होता है कि वो हटेंगे और आप शपथ लेंगे, और सब पद में ऐसा ही होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा पद है जिसको कभी भी खाली करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज द किंग ऑफ आवर कंट्री, राजा, राजा को सुरक्षा देना, प्रथम नागरिक है, सुरक्षा देना और हर तरह का चीज उनको मुहैया कराना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। तो 5 साल से पहले अगर मर जाए तो उसको क्या पता कि भैया मरे वाला है। मान लीजिए 3 साल में मर गया, तो सोचिए 2 साल बचा हुआ है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति का पद कौन संभाले? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन संभाले? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम। नहीं नहीं, वो तब तक बने रहेंगे जब तक इलेक्शन होके राष्ट्रपति पद पर नहीं आ जाते हैं, मतलब वो पद खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आपको समझिए क्या करना चाहिए। हाँ, उस सब चर्चा करेंगे, उस सब चर्चा करेंगे। आपके मन में जो सवाल आ रहा ना, ये देखिए ये आगे बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन साथ में होगा, और 2-4 बार अगर रिपीट करेंगे तो वो रिविजन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं तो वरिष्ठतम सीनियर जस्टिस, और वो नहीं तो पैनल बना होता, पैनल, वो पैनल में 5 मेंबर होते हैं, वो 5 मेंबर में कोई बनेंगे। अब बोले सर वो भी नहीं रहे तो, अब ऐसा नहीं ना जिस कि सब मरिए जाएगा, अब पैनल में 5 को बम मार के उड़ा दिया, ऐसा नहीं ना है जी। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर संशोधन करेंगे, फिर अमेंडमेंट किया जाएगा, है कि नहीं? तो आप देखोगे कि कहा जा रहा 6 माह, इसका मतलब अगर पहले मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो कितने माह के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन ना होने तक उपराष्ट्रपति उसके पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। निर्वाचित राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेगा, ना कि शेष अवधि के लिए। मतलब समझ में आ गया, कोई 5 साल का था, 3 साल में मर गया, तो अगला जो आएगा वो पूरा 2 साल कवर करेगा कि नहीं? नहीं, पूरा 5 साल जी, नहीं अपना 5 साल। अब जैसे इसी को देख लीजिए, जा जी जाकिर हुसैन में ही फोकस कीजिए, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 साल के लिए है। अब जो नया आए तो ये 69 से चलेंगे क्या? नहीं, आगे से लेकर चलेंगे। देखिए 69 से 74, 5 साल कहाँ से लिया है? 67 से या 69 से? 69 से। तो जाकिर हुसैन के बाद कौन?
गिरी, वेंकट गिरी, कोट भी दे राजा गिरी, राजा गिरी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? इसका मतलब समझ में आए जो नए राष्ट्रपति बनेंगे बाकी अवधि के लिए या पूरा 5 साल पूरा करेंगे? गुड।